देख रहे हैं thescoopbeats.com। दिल्ली की बेटी के साथ फिर हुई हैवानियत, कब रुकेगा ये सिलसिला? सबकी नजर इस समय फरीदाबाद की रहने वाली रबिया सैफी पे है, जिसकी बहुत ही बर्बरता से रेप करने के बाद हत्या कर दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरीदाबाद में रहने वाली सब्या जिसका शव हरियाणा में पाया गया। एक रिपोर्ट के द्वारा ये सामने आया है कि निजामुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जिसने अपने आप को थाने में सरेंडर कर दिया है, कह तो ऐसा कुछ रहा है कि उसी ने सब्या सैफी की हत्या की है। 26 अगस्त के दिन जब सब्या सैफी अपने घर टाइम से ना लौटी, उनकी माँ ने उनके दोस्तों को फ़ोन मिलाना चालू किया, लेकिन उनके किसी भी दोस्त ने फ़ोन उठाने के बाद उनको ये सूचना ना दी कि वो उनके साथ हैं। उनकी माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके घर आने की कोई खबर सामने ना आ रही। उसके बाद उनकी एक दोस्त ने कॉल कर बताया कि सब्या सैफी उन्हीं के किसी काम करने वाले के साथ ब्यूटी पे गई हैं। आंटी सुनो, तो जो हमारे सर थे ना, मेरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? जी। तो राबिया सर के असिस्टेंट है मतलब, तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको शायद पूछताछ कर राबिया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए ये नहीं पता। लेकिन किसी को नहीं बताने पर, फोन स्विच ऑफ आने पर उनकी माँ परेशान हो गई। सब्या सैफी को बराबर कॉल लगाने के बाद भी सब्या सैफी के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हरियाणा में पाया गया रबिया सैफी का जो शव मिला, उसमें 50 से ज़्यादा कट्स लगे थे। इतनी हैवानियत आती कहाँ से है? पूरा दिल्ली शर्मसार है इस हरकत से। वो गुस्सा है, वो सब्या सैफी के लिए इंसाफ मांग रहा है। सब्या सैफी का पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सरकार कब सुनेगी उनकी बात? पुलिस वाले कब लेंगे एक्शन? लेकिन एक रिपोर्ट के द्वारा सामने आ रहा है कि सब्या सैफी अपनी माँ से एक दिन बताती हुई पाई कि उनके ऑफिस में गलत तरीके से चालान काट कर वो पैसा जब्त कर लिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। सब्या सैफी ने अपनी माँ से बताया कि जो भी चालान कटते हैं उसकी जो रिसिप्ट आती है उसका पुलिस वाले प्रिंट आउट निकलवा के आगे रखते हैं, क्योंकि सब्या सैफी कैशियर थी, वो कैश संभालती थी। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि माँ वो गलत तरीकों से पैसा रखते हैं। उसके बाद जब महीने का पूरा पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो वहीं के कर्मचारियों को बांट देते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के द्वारा ये भी सामने आया, जिस रात रबिया उन पुलिस वालों के साथ निकली, वो पुलिस ऑफिस दोबारा नहीं लौटी थी। उनकी माँ चिंता में परेशान थी, लेकिन ना किसी पुलिस वाले ना किसी कर्मचारी ने उनको ये सूचना दी कि वो किसी पुलिस वाले के साथ काम या ड्यूटी पे बाहर गई। रिपोर्ट में ये निकल कर आ रहा है कि निजामुद्दीन को फंसाया जा रहा है, निजामुद्दीन को वो सीढ़ी बना के चढ़ रहे हैं। इसमें चलान कॉन्स्पिरेंसी नाम से पुलिस वालों की गलती नजर आ रही है। जहां एक रिपोर्टर ने रबिया सैफी की माँ से बात कर ये सिद्ध किया कि रबिया सैफी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन निजामुद्दीन बार बार कह रहे हैं पुलिस स्टेशन में कि उनकी शादी रबिया सैफी से एक कोर्ट में हुई थी, लेकिन उनके परिवार वाले मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि रबिया और निजामुद्दीन पति पत्नी हैं। आज हर जगह वो नारे लग रहे हैं जस्टिस फॉर रबिया सैफी, क्योंकि जब हमारे सुरक्षा करने वाले कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर कि क्या जस्टिस मिलेगा रबिया सैफी को, या ये स्टोरी भी एक फाइल के नीचे दबा दी जाएगी। कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को नहीं चला रहा है। क्या मीडिया बिक चुका है, या मीडिया के पास इतना समय ही नहीं है कि वो देश की बेटियों के लिए इंसाफ मांग सके? उनकी माँ बार बार मीडिया से गुजारिश करती हुई नजर आई कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, सीबीआई की जांच करवाई जाए, ये केस दिल्ली कोर्ट तक जाए
और गुनहगारों को फांसी के फंदे तक लटकाया जाए। या मीडिया समोसे और जलेबी में इतना व्यस्त हो गया है कि उनको बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं रह गया है। या मैं ये कहना चाहूँगी, मीडिया या सरकार बाहर के मामलों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई है कि उनको हिंदुस्तान में हुई घटनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, हम सब चाहेंगे कि रबिया सैफी को इंसाफ मिले, उनकी माँ के आंसू का बदला लिया जाए। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि सबिया सैफी और उनके परिवार के साथ कौन कौन इस जंग में खड़ा है। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, द स्कूप बीट्स.कॉम।